press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. रास्ते में कार्यक्रमों के दौरान आप सभी जानते हैं कि लोकसभा का चुनाव सन्निकट है और इस दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सांगठनिक गतिविधियां प्रारंभ कर दी। आज ही राष्ट्रीय स्तर पर मेरा परिवार भाजपा परिवार इस कार्यक्रम का आरंभ किया गया है। मैं भी रास्ते में रिवाड़ी में इसी अभियान का प्रारंभ करते हुए यहां आ रहा हूं। सांगठनिक दृष्टि से सभी लोकसभा क्षेत्रों में क्लस्टर वाइज बैठकों की प्रक्रिया चल रही है और उसी सिलसिले में आज यहां अलवर लोकसभा क्षेत्र में सभी प्रमुख जो यहां के प्रभारी प्रदेश पदाधिकारी और शक्ति केंद्रों से लेके मंडल अध्यक्ष और बूथ तक के जितने भी प्रमुख पदाधिकारी हैं वो सब रहेंगे। पहुंचाने के लिए सभी चीज़ों के ऊपर आज विचार विमर्श होगा। हम सिर्फ ये कहना चाहेंगे कि एक तरफ देश देख रहा है कि श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारत को विकास के पथ पर अप्रतिम गति से आगे ले जा रही है। दूसरी तरफ आप देखिए अभी राजस्थान में सरकार बदले हुए, इसे कहावत कहते हैं ना, जुम्मे जुम्मे चार दिन हुए और उसी में चार दिन में क्या कुछ नज़र आने लगा। जब तक हमारी सरकार थी कभी भी आपने किसानों को यूरिया के लिए संघर्ष करते नहीं देखा होगा, वो दिखाई पड़ने लगा। राजस्थान में इस समय जिस प्रकार की अव्यवस्था दिखाई पड़ रही है वह दिखने लगी और आपने देखा कि एक तरफ राजस्थान में किसान परेशान है और दूसरी तरफ कांग्रेस के एक प्रमुख किसान जिनके पास लंदन में कई कोठियां हैं, विदेशी गाड़ियों में घूमते हैं, विदेश में छुट्टी मनाते हैं, वो प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ का सामना कर रहे हैं। मेरे विचार से यह परिवर्तन राजस्थान की जनता बहुत भली भांति देख रही है कि चंद दिनों में ये कैसा परिवर्तन दिखाई पड़ा है। इसलिए हम पूर्णतः आश्वस्त हैं कि केंद्र में हमारी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं, श्री नरेंद्र मोदी जी की अपार लोकप्रियता, हमारे संगठन की कुशलता और राजस्थान की जनता के विवेक के आधार पर हम आगामी लोकसभा चुनाव में राजस्थान में 2014 की पुनरावृत्ति करने में सफल होंगे। देखिए अधिकारियों के बीच में क्या जांच हुई इस विषय की जानकारी सरकार को हो सकती है, हमारे पास नहीं। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा, अगर 2G के मामले में इसी CBI से आपको राहत मिल जाती है तो सत्य की विजय है, और जब दूसरे मामले में सिर्फ पूछताछ करने लगे ED या CBI तो आपके हिसाब से विच हंटिंग है। ये तो वैसा ही हुआ ना, जैसे कांग्रेस कहती थी EVM में गड़बड़ है, और जब आप पंजाब जीते, कर्नाटक जीते, राजस्थान जीते, मध्य प्रदेश जीते और छत्तीसगढ़ जीते, गोरखपुर जीते, फूलपुर जीते, कैराना जीते, अजमेर जीते, अररिया जीते, जहानाबाद जीते, तो EVM ठीक थी। तो वैसे ही मुझे लगता है जांच एजेंसियों के बारे में भी कांग्रेस की यही सोच है, अन्यथा कांग्रेस कह दे कि फिर CBI से ही उसको 2G मामले में इन लोगों को कैसे राहत मिल गई थी। क्या आपको लगता है कि अगर मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की शक्ति जरा भी कम होती नजर आ रही होती तो इन लोगों को गठबंधन करने की जरूरत पड़ती? अब मैं, अरे वो आप लोग अपने मन से जिस भी प्रकार का विचार रखना चाहें स्वतंत्र हैं, परंतु मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि सपा बसपा गठबंधन की इन्होंने बात कही, भारत की राजनीति में अनेक विरोधी दलों ने गठबंधन किया है, विरोधाभासी दलों गठबंधन हुआ, हमने भी किया है कई जगहों, परंतु पहली बार कश्मीरी नहीं, हमने DMK के साथ भी किया है, बसपा के साथ भी किया है, परंतु पहली बार ऐसा हुआ है जब ऐसे दो दलों के बीच में गठबंधन हुआ है जिनके नेताओं ने दूसरे खिलाफ जान से मारने के मुकदमे दर्ज कराए हैं। और मायावती जी का रिकॉर्डेड बयान है स्टेट गेस्ट हाउस कांड के बाद, कोट अनकोट में कह रहा हूं, मेरा शब्द नहीं है, कि समाजवादी पार्टी के गुंडे मेरी जान लेना चाहते थे और आज भी वो मुकदमा चल रहा है। उन्होंने ये कहा कि अब हम उस स्टेट गेस्ट हाउस कांड को छोड़ना चाहते तो मुकदमा वापस ले लें। ये तो वही हो गया ना, जानी दुश्मनी की मुकदमे चल भी रहे हैं और फिर भी हाथ भी मिलाए हैं, तो आप राजनीतिक संदर्भ में कह रहा हूँ, समझ लीजिए, यदि जानी दुश्मन एक हो जाए तो समझिए राजनीतिक दृष्टि से जान पे बनाई।
कांग्रेस की सरकार ने जिस जिस प्रकार के वादे किए थे और वादे पूरा करने की उनकी कितनी सामर्थ्य थी और कितनी नीयत थी, नीति और नीयत दोनों क्रमशः सामने आती जा रही है। ये उनके द्वारा किया गया वादा है, इस प्रक्रिया में केंद्र सरकार का किसी भी प्रकार का न कोई हस्तक्षेप है न प्रभाव है। निश्चित रूप से कानून व्यवस्था खराब हो रही है, ये चिंता का विषय है और कहीं ना कहीं ये अशोक गहलोत सरकार की अक्षमता का प्रतीक है रखे हुए, परंतु कानून व्यवस्था की स्थिति कांग्रेस की सरकार आने के बाद बहुत चिंताजनक हो गई है। गई सरकार नहीं, गई हुई सरकार नहीं, वर्तमान सरकार से पूछिए कि जिन्होंने अभी कहा था और आज क्या कर रहे हैं। देखिए, हमारे जिन नेताओं को, जो पूर्व में हमारे वरिष्ठ नेता रहे हैं, निश्चित रूप से उनके प्रति कोई असम्मान न व्यक्त करते हुए मैं अपने विरोधियों से पूछना चाहूंगा कि श्री शत्रुघ्न सिन्हा जी के पूर्व के कितने बयानों से कांग्रेस सहमत है, श्री यशवंत सिन्हा जी के न्यूक्लियर डील के स्टैंड पर सहमत हैं, श्री अरुण शौरी जी ने जो बोफोर्स पे बोला था और जो उन्होंने तमाम किताबें लिखी हैं, मिशनरीज इन इंडिया, उनकी एक किताब है फतवा उलेमा और उनकी दुनिया, कितने से सहमत है। ऐसे नहीं हो सकता कि आप केवल एक चीज पे। हाँ, उसके तो उन्होंने स्पष्टीकरण दे दिया है कि टेक्नोलॉजी बदलती है, उसके अनुसार चीजें बदल जाती हैं। जैसे आज से नहीं, वो टेक्नोलॉजी रिलेटेड है, टेक्नोलॉजी बदलती है तो उसके अंदर सुधार हुए और चीजें बदल जाती हैं। अपने विरोधियों से प्रश्न पूछ रहा हूँ कि सहमत हो तो कितना सहमत हो, ये नहीं हो सकता ना वाक्य के एक हिस्से पर सहमत हो बाकी पूरी चीज पे मैं चुप हूँ। नहीं, हम लोग सर्वथा असहमत हैं, हम तो बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं, हम सर्वथा असहमत हैं। और वो शत्रुघ्न सिन्हा जी तो छोड़िए, किसी स्टैंड के ऊपर वो स्पष्ट कर पा रहे हैं। अब आज ही सीएजी की रिपोर्ट आई है रफेल पे, उनसे पूछिए रफेल में मुद्दा क्या है, पिछले 10 महीने में 10 मुद्दे बदले कि नहीं। पहले कहा जी प्राइसिंग मुद्दा है, फिर कहा नहीं ऑफसेट मुद्दा है, फिर कहा नहीं रिलायंस को देना मुद्दा है, फिर कहा नहीं फ्रांसवा ऑलैंड का बयान मुद्दा है, फिर कहा नहीं जेपीसी मुद्दा है, फिर कहा सीएजी मुद्दा है। तो हकीकत यह है कि भाई आप तो अपने मुद्दे के बिंदु ही नहीं तय कर पा रहे हो। और वस्तु स्थिति यह है कि भारत का रक्षा मंत्री उनके हिसाब से झूठ बोल रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री उनके हिसाब से झूठ बोल रहे हैं, फ्रांस के रक्षा मंत्री उनके हिसाब से झूठ बोल रहे हैं, फ्रांस के राष्ट्रपति उनके हिसाब से झूठ बोल रहे हैं, डेसॉल्ट कंपनी के सीईओ उनके हिसाब से झूठ बोल रहे हैं, और भारत का सर्वोच्च न्यायालय जिसने कि उस प्रक्रिया की पूरा विश्लेषण कर लिया है, वहां उनके हिसाब से झूठ बोल रहा है, और एक में अद्वितीय सत्य से साक्षात करने वाले श्री राहुल गांधी सत्य बोल रहे हैं। देखिए, आपने प्रियंका जी के आने का बात कही और प्रियंका जी इधर जयपुर भी आई थी, मेरे विचार से ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है और मैं कहूँगा कांग्रेस पार्टी का नहीं बल्कि उनके परिवार का अंदरूनी मामला है। जब भाई संकट में दिखाई पड़ रहा हो, पति संकट में दिखाई पड़ रहा हो और संपत्ति संकट में दिखाई पड़ रही हो तो उन्हें आगे आना चाहिए था, उन्होंने वो कार्य किया है। परंतु मैं कहना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी की पिछले 3 पीढ़ियों में जब भी कोई नया व्यक्ति आता है राजनीति में तो सोच और प्रभाव में कितना बदलाव या गिराव आया है। आप यूं समझिए कि जब इंदिरा जी 77 में सत्ता से बाहर हुई तो 80 में जब उनको वापस लाना था तो कांग्रेस ने क्या नारा दिया था, इंदिरा लाओ देश बचाओ, तो कांग्रेस की सोच देश तक। फिर मैं उसी पे आ रहा हूं, फिर 1999 में जब सोनिया जी को लाना था तब कांग्रेस का नारा क्या था, सोनिया लाओ कांग्रेस बचाओ, यानी अब देश नहीं, अब सोच कांग्रेस बचाने तक थी। आज 20 साल के बाद जब प्रियंका जी आई हैं तो मुझे लग रहा है कांग्रेस के मन का भाव यह है कि राहुल लाओ प्रियंका लाओ राहुल बचाओ, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि कांग्रेस पार्टी में उनके प्रथम परिवार का कोई सदस्य किसी प्रदेश के एक हिस्से का प्रभारी बना। मेरे विचार से यह परिवर्तन पीढ़ी दर पीढ़ी जो गिरा हुआ है कांग्रेस में वो मेरे विचार से बहुत साफ है। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।